नमस्कार, स्वागत है आपका दीदी न्यूज में। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने हम भारत के अमृत महोत्सव 75 साल का सफर तय कर चुके हैं। बहुत लोगों ने अपनी सत्ता राजनीति के लिए अधिकार की बात किया, लेकिन जब हम शताब्दी वर्ष मनाएंगे तो अगला 25 वर्ष सामाजिक सद्भाव, सबका साथ सबका विकास का भाव हो। आज 75 वर्ष की आजादी में कोई जातीय जनगणना की बात क्यों नहीं किया? 1931 के बाद जातीय जनगणना क्यों नहीं हुआ? आज आप ये बता दें कि देश के प्रधानमंत्री ने जब सभी कमजोर तबका के लोगों के लिए जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, शौचालय योजना, आयुष्मान भारत योजना, कई दर्जनों योजना शुरू की, अकाउंट में पैसा जाने लगा, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगने लगा, और जब लाल किले से उन्होंने घोषणा किया कि हम भ्रष्टाचारियों को भारत मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, लोहिया जी, गांधी जी, जयप्रकाश नारायण जी, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने आपको जाति विहीन समाज और भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाने का जब बात किए थे, तो आप उसकी बजाय जो आपके बड़े भाई ने जातीय उन्माद पैदा कर करके जातीय नरसंहार कराते थे, उसी पथ पर क्यों बढ़ गए? आप जातीय जनगणना कराना चाहते हैं, जरूर कराइए, लेकिन आपका विजन, आपका उद्देश्य, मिशन, 500 करोड़ खर्च कर रहे हैं, इसका लाभ क्या उस गरीब शोषित कमजोर तबका के लोग को मिलेगा? उस नौजवान बच्चे जिस पर आप लाठी बरसा रहे हैं, शिक्षा में जो हमारे शिक्षक अभ्यर्थी रोड पर बैठे हुए हैं, आज बीपीएससी बीएसएससी के बच्चों की प्रतिभा का जो हनन हो रहा है, उसका समाधान करने की बजाय आप एक व्यवधान उत्पन्न करने के लिए, एक उन्माद पैदा करने के लिए, समाज को लड़ाने के लिए आपका जो मिशन है आजादी का, जब शताब्दी वर्ष मनाएंगे आप क्या देना चाहते हैं? बिहार को बकस दीजिए, दोनों भाई 32 साल से क्यों नहीं करवाए थे? अब बिहार को जब विकास की गति बढ़ानी है तो आप सत्ता प्राप्ति के लिए फिर एक बार बिहार के वातावरण को प्रदूषित करना चाहते हैं, बिहार में अशांति लाना चाहते हैं, उन्माद पैदा करना चाहते हैं। इसलिए पहले पूरा विजन बनाइए, 5 करोड़ लोग जो बिहार से बाहर है, उस बिहारी के बारे में भी चिंता कीजिए, क्यों पलायन किया, कौन से जिम्मेवार लोग हैं, किसके कारण बिहार छोड़ना पड़ा, उनकी भी जनगणना कराइए। आपसे आग्रह है कि पूरे विषय पर एक सभी पार्टी का एक बैठक बुला करके उस पर गहन विचार करिए, प्रबुद्ध लोगों का विचार लीजिए, और तब आप फाइनल एक उसका फॉर्मेट बना करके और शुरुआत करिए। लेकिन आपका मिशन नियत में खोट है, इसलिए शराबबंदी की तरह ये भी नीति आपका फेल करेगा, इसका साइड इफेक्ट कई रूप में दिखाई पड़ेगा। और भी खास बातें जानने के लिए जुड़े रहें डीवी न्यूज में।